मस्त है। ये अंडे में डालें अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका इरफान शबानी के ब्लॉग में। नया ब्लॉग ये चालू कर रहे हैं कि आज इसको मन हुआ है बच्चे लोग को कुछ और नया दिखाने का। रोज तुम्हारा ये रहता है बच्चे लोग को नया तो मजबूर तू किसको दिखाती है, बच्चे लोग दिखाती है ना, दिखाती हूँ वो लोग को। सीखते तो अपने को अच्छा लगता है, वो लोग बनाते तो कमेंट करते तो खुशी होती है कि भाई मेरी वजह से कोई सीख तो रहा है कुछ चीजें, वो भी घर में बैठे बैठे। बोलो मैं किसी के घर में भी नहीं जा रही, मैं अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज बाजार भी गया तो एक लेडीज मेरे को पकड़ ली, बोले आपने शबाना भाभी ने जो रोटी बताई थी वो किधर मिलती है, मतलब इधर ही मिलती है, ले तो उधर से उसने रोटी भी ले ली। यानी कि माशाल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं और खा के तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिलती है। हाँ, तो मेरे को सब में ज़्यादा खुशी तो मेरे को मिलती है कि लोग मेरे साथ पूछते, क्योंकि ये नीचे रहती ही नहीं है, मैं नीचे में रहता हूँ तो लोग मुझे आके पूछते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और क्या बनाने दिया? और आज हम बना रहे हैं चिकन टायर, जो मतलब चिकन रहेगी ना उसके टायर बनेंगे, टायर बनेंगे। हाँ। ट्रक नहीं रहेगा, गाड़ी गाड़ी के टायर नहीं बनेंगे, चिकन के टायर बनेंगे। हाँ, चिकन मायो टायर। तो बनाते हैं तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और चिकन टायर के साथ में अपन बना रहे हैं कैरेमल पुडिंग, वो भी देखिए आप। और इफू ना वो प्याला है ना, जो इतना बड़ा प्याला है बनाऊंगी, वो प्याले ना इफू के लिए अलग से अकेला होता है पहले से। हाँ, बच्चे लोग बैठे थे, अब्बा का इतना बड़ा प्याला, हमारे लिए इतना छोटा सा प्याला। तो बोले अब्बा बड़े है ना, बड़े नहीं अब्बा को पसंद है। हाँ, अब्बा को पसंद है, इसके लिए उनके लिए बड़ा प्याला था। और भी हम लोग दो जा रहे थे, हमने छोटा प्याला लिया, इसमें हम दोनों आधा आधा शेयर करें, मेरा भी आधा। हाँ, तेरा भी। हाँ, पूरा तेरा है बस, मैं अपन दोनों का आधा। तू चिड़िया है, तू थोड़ा खा के छोड़ेगी, बाकी मैं खा लूंगा बस। चलो बनाते हैं तो दोनों डिशे भी बताते हैं। तो अभी तैयारी हो चुकी है चिकन टायर की, जो स्कूटर की टायर नहीं, ये अपने पाँव का टायर है जो शब बनाने वाली है और मैं आप लोग को दिखाने वाला, तो आप लोग देख सकते। क्या बना रही है शब? मैं बना रही हूँ चिकन टायर, तो उसके अंदर अपने को क्या क्या लगता है सामान, मैं उसके बारे में आपको रेडी करके रखी हूँ, तो मैं आपको बता दी। चलो ठीक। तो ये पहले अपन ले लेंगे चिकन, चिकन को मैंने बॉईल करके शेडेड कर लिया उसको, और इसके अंदर जाएगा मायो 2 चम्मच, गाजर को अच्छे से क्रोथ लेने का छोटा छोटा बारीक बारीक, और शिमला मिर्ची है जितनी आपको चाहिए उतनी आप डाल सकते हैं, मेरे को इतनी कम लगती है तो मैं वो डाल रही हूँ। और इसमें मसाले सिर्फ 3 ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसमें जाएगा ये रेड चिल्ली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और नमक, और इसके लिए अपने को ना कोटिंग के लिए अंडा और ब्रेड क्रम्स लगेंगे। और इसको ब्रेड को देखो क्या हिसाब से काटने का, तो ये ब्रेड है ऐसा, मैं आपको पहले कटिंग करके रखी हूँ, मैं दूसरा आपको कटिंग करके बताती हूँ। तो ये है, और इसमें ढक्कन मेरे पास नहीं था, कटर मतलब कटर लाना भूल गया पुनीफू, तो ये कटर इसे लेना है का, और यहाँ पे इसको रख के और इस स्लाइसिस को ऐसा निकाल लेने का, और ये बच्चे का ना इसको फेंकना नहीं, इसका ब्रेड क्रम्स बनेगा। ये बन गया अपना टायर, तो ऐसा ऐसा दो दो पीस लेने का है, और इसके अंदर अपन चिकन रख के इसको करने का है। तो एक और एक बना देती हूँ, जितने लगेंगे ना उतने बनाते रहना और करते रहना, फालतू का ख़राब मत करना, मतलब अपने क्या बना बना के अपन रख देते हैं, और मेरे को जितने लगेंगे मैं उतने थोड़े से बना रही हूँ, और लगेगा तो मैं वापस से बनाऊंगी। अब फिलहाल मैं सिर्फ इतने से बना रही हूँ, है ना, जितना लगेगा उतना ही बना रही हूँ, बना बना के अपन। अभी दो जान दो बने तो नहीं, दूसरे लोग बनाएंगे तो दूसरे लोग ही बने। हम लोगों ने हमारे हिसाब से बनाए, क्योंकि कम बनाए। हाँ, बच्चे लोग आते तो माशाल्लाह हम लोग सब बना के अच्छे से खा लेते हैं। ये चिकन इतनी सी ली ना मैंने, तो उसके हिसाब से मैंने इतना से लियो। अगर आप ज्यादा चिकन लेंगे तो आपको ज्यादा ब्रेड लगेगा। तो तैयारी चालू हो चुकी है, कैसा पाव में डालना है, कैसा तलना है, कैसा करना है, सब आप लोग को बताता हूँ, बोलो। चलो अभी ये चिकन के अंदर अपन डालेंगे नमक, हर चीज में नमक कम डालना, क्योंकि अपने को अंदाजा भी रहता नहीं है, रोजे में रहते तो नमक ज्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि सामने रोजेदार खाएगा तो बेचारा उल्टी नहीं करने लग जाए। उसमें जाएगा ब्लैक पेपर गया, फिर कुटी हुई लाल मिर्ची, इसके अंदर शिमला मिर्ची, इसके अंदर गाजर, और गाजर भी थोड़े कम ही डालना है, गाजर मीठे रहते हैं तो उससे मिठास नहीं आती ज़्यादा। और ये मायो, अगर मायो तुमको और चाहिए कम लगेगा तो और तुम डाल सकते हो। ये सबको अपन मिक्स कर देंगे, फिर मिक्स करके पाव में डाल देंगे। अरे वाह, तुमको आ गया। मेरे को आता है, मैं इस पर हूँ, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, मैं जो काम करना कर लेता है ना, वो दिखाता नहीं है ना। अच्छा, अभी मैं ये सबको मिक्स कर लेती हूँ, फिर अभी टायर में कैसे डालते हैं। वो मसाला पूरा मिल चुका है और पाव में अभी डालने वाले हैं, कैसा डालेगी शेफ बताएगी। देखो ये अपने लिए, ये इसके अंदर फिलिंग को ऐसा रखे अंदर,
ज़्यादा नहीं भरना नहीं तो पूरा बाहर आ जाएगा फिलिंग, इतना करने के बाद सुफियान बहुत खाते नहीं। हाँ, और इसको साथ दबाने का ये अंडे में डालें, अंडा अच्छा निचोड़ने का, पाँव के अंदर अंडा लग जाता है। और इसमें लिए ब्रेड क्रम्स में उसको अच्छे से कोटिंग करने का, थोड़ा गिर गया प्लेट छोटी पड़ गई। उसको अच्छे से करने का अंदर पूरा फ्राई पैन में जाके फिर खुल ले जाए। ये देखो ये बन गया टायर गोल चिकन टायर। पूरा बन जाने के बाद तल के कैसा बनता है मैं आप लोग को बताता हूँ। टायर तो तैयार होके ट्यूब डाल दी उसके अंदर पूरा रेडी हो गया फुल के, सिर्फ तलने की देर है। तो अब शब ने दूसरा कुछ बना रही है, वो क्या बना रही, कैरम बोर्ड बना रही है, कैरम बोर्ड पुडिंग बना रही है, बताता हूँ आप लोग। ये कैरेमल पुडिंग है तो सबको आती बनाने, तो बोले चलो इसका ये भी बता देती हूँ आप लोगों को। ये कैरेमल पुडिंग है, इसके साथ में ये मिलती है इसकी टॉपिंग नीचे की, और ये ऊपर रहता है, इसमें शक्कर वक्कर सब रहती है। आधा लीटर दूध में मैंने ये एक पैकेट डाली है, दूध गर्म हो रहा है और ये इसके अंदर में भी ऐड कर दूँगा। ये पूरा अंदर ऐड कर दिए, अच्छे से पकाने का, इसको भी हिलाना पड़ता है। हाँ, ये अपन घर में भी बना सकते हैं, वो घर में बनाने भी आती है इंशाल्लाह, बाद में इसकी रेसिपी डालूंगी, दूध वो सब डाल के अपन घर में भी बना सकते हैं। मतलब ये रेडीमेड रमजान में मिल रहा है तो फिर क्यों, आगे दिन अपन इसी मेहनत करेंगे ना, है ना। ये अच्छा हो जाएगा ना, तो ये जो है ना ये इसके अंदर डालने का, इसके नीचे रह जाएगा, नीचे की टॉपिंग है, इसको उल्टा करते ना तो पूरा ऐसा पूरा फैला। तो ये बन गई है, आप इसमें बिस्मिल्लाह रखवाएं स्लो स्लो करके। तो टायर को, चिकन टायर को तेल में तला जा रहा है, जैसे चमकता टायर चमकता तो गाड़ी में कैसा लगाते वैसा टायर को तेल में डाल रहे, और सब पूरी तैयारी चालू कर चुकी है। जब पे तैयार हूँ मैं। चलो डालते हैं टायर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल लाइट स्लो रखना, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना, और इसको मैं डालते रहने के अंदर माशाल्लाह चार चार करके डालेंगे। मेरे 8 टायर बने, मेरे को ब्रेड कम पड़ गए, अपन 4 ही रखी ज्यादा मत, मेरे को ब्रेड कम पड़ गए थे तो मैंने बोली वेस्ट क्यों करूं, मैं बना देती हूं। आजू बाजू पड़ोसी लोगों को भी देना पड़ता है, तो अच्छा। याद आया तो मैं अभी थोड़ा ज्यादा ही बनाया करूंगी, आजू बाजू पड़ोसी को भी देना पड़ता है। वो तो लोग आज बनता देने का ना, अपने बाजू लोग जब अपन लोग को देंगे तो अपने को कुछ देंगे ना लोग, नहीं वो हिसाब से नहीं देंगे, मालूम है मेरे को। अपने को अपने है अपने अंदर, अपन जो अच्छा खाते तो अपने पड़ोसी लोग क्या खाते हैं, बेचारे बच्चे लोग क्या खाते हैं, कोई तरसे नहीं, तो अपने को लोगों को पहले देने का फील होता है, क्योंकि तेरी खुशबू हर जगह फैलती रहती है खाने की, खाने की खुशबू, क्योंकि अपनी माशाल्लाह खिड़की आती है कि सब खुशबू निकल जाती कहीं से, है ना। तो हो गया, नहीं देखो माशाल्लाह फ्राई हो रहे, स्लो स्लो पे, ज़्यादा फ्राई नहीं करने का, वो नहीं करने का, तो फास्ट में जल जाएंगे, थोड़ा अच्छा बन गए ना फिर गैस फास्ट कर देना। चलो ठीक है, गर्म हो चुका है, लोग बोल रहे कि हमको बाहर निकालो, बहुत गर्मी हो रही है अंदर, तो हम लोग उसको बाहर निकालने जा रहे हैं, है ना। यस, देखो ऐसे माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ जाएगा ना, इसे निकाल लेने का, अच्छे से तेल निकाल के इसको यहाँ पे छलनी में डाल दूँगा। हो गए माशाल्लाह फ्राई, इसको अच्छे से तेल इसका ड्राई होने देना, और अगर टिश्यू पेपर भी रखना क्योंकि ब्रेड्स का है ना, तो उसमें ना ज़्यादा तेल लेता है। अच्छा, तो चलो अभी ये तो हो गया, अभी उधर सजाएंगे खाएंगे, फिर आप लोग को बताएंगे। कैरम बोर्ड निकल चुका, एक कैरम बोर्ड क्या है, कैरमल है क्या, क्या है कैरमल पुडिंग निकल चुकी है, उसको भी सजा के प्लेट में रख रही है सब, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसा बनाए। देखो माशाल्लाह पूरी रेडी हो गई है, फ्रीजर में रखी थी मैंने, उल्टा करते मस्त हो गया माशाल्लाह, एकदम एक नंबर लग रहा है, और सब जा रही उधर रखने, देखो कैसा मस्त सजा के रखी है, बीवी हो तो ऐसी। मस्त है, क्या बात है।
थैंक यू। एक नंबर। आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है और फटाफट बन जाता है, ज्यादा टाइम भी लगता है। सुबह जल्दी उठो, बना लो, बना के फिर फिलियों के नमाज कुरान माशाल्लाह सब तुम पढ़ सकते हो। ज्यादा डिशे नहीं बनाने, कम बनाने का उससे अच्छा रहता है कि हम लोग काम भी जल्दी फटाफट हो जाता है, या एक दिन पहले तुम लोग सब करके रख दो तो अच्छा रहता है। लेकिन मैं ना सुबह में करके रख देती हूँ, मेरी हेल्प बहुत करते हैं बेचारे, मेरे को आलू भी छिलके दिए, आलू क्रैश करके दिए, मुर्गी के रेशे करके दिए, थोड़ी हेल्प कर देते हैं तो फटाफट अपना काम हो जाता है। तो इसी, चलो आप लोग को पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन बटन दबाओ। नहीं दबे फिर भी दबाओ। टिंग टॉन्ग।